और ब्लॉग में कहा है कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या वो होते हैं उनको हमने कभी दुश्मन नहीं माना है और ना ही ऐसे लोगों को कभी हमने भारत के अंदर विरोधी दल जो हैं प्रतिपक्ष के साथ हम भी कभी प्रतिपक्ष थे, हमें किसी ने देशद्रोही नहीं कहा ना हमने किसी को आदेश दूरी, बल्कि तो हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। हमारा आदर्श तो यही है और वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी हों या नरसिंह राव हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में कश्मीर का पक्ष रखने के लिए और सरकार का राष्ट्र का प्रतिनिधि बनाकर भेजते थे, तो ये एक आदर्श राजनीति। उन्होंने कहा है कि अब के जो स्थापना दिवस है उस पर हम लोग को विचार करना चाहिए अपनी नीतिक नीति पर, नहीं विचार करना ही चाहिए पर कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में चल रही है। डेमोक्रेसी में हमेशा प्रतिपक्ष रहेगा, कभी हम रहेंगे कभी वो रहेंगे, इसलिए प्रश्न नहीं उठता गया। सभी देशभक्त हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ने वाले हो चाहे देश के खिलाफ बोलने वाले भी हो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम देश के अलग हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उनको भी हम देशद्रोही नहीं कहते। उनकी समझ को कहते हैं क्या समझ है कि आपने घर के टुकड़े करने से कौन सा महान कार्य कर रहे हो, जोड़ने का काम करने से, बल्कि उनको समझाइश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी जो राष्ट्र की हैं वो किसी को देशद्रोही नहीं कहते।